since the Taliban came in our country, they didn't do anything for us. Most of the people become unemployed. We don't have any job. इसके पहले कभी इतने क्लोजली मैंने कोई तालिब से बात नहीं करा, but ये बोल रहे हैं अभी ये बंदूक नहीं उठाते, ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी. It's about 1 year that Taliban came in Afghanistan, and I think that the situation is getting worse and worse, especially for children and women. तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल टाइप कुछ है भाई, यहाँ पे देख सकते हो हर कपड़े. So are the women allowed to wear clothes like this here? तो यहाँ पे just for party. वेलकम टू माई चैनल एवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनिएक. गाइस फिलहाल है हम लोग हेरात में. ये अफगानिस्तान का बहुत मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोविंसेस में आता है हेरात. ये शहर हेरात इज़ वेरी क्लोज टू द ईरान बॉर्डर. आई थिंक कुछ अराउंड 2 घंटे का जर्नी है यहाँ से ईरान बॉर्डर के लिए. बहुत पास है ईरान के और ये शहर बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डाइवर्स है, बहुत हिस्टोरिक प्लेस है. दिस इज़ मनान, अब्दुल मनान. यस आई एम अब्दुल मनान. इट्स अब्दुल मनान. ये भाई मेरे को हेल्प कर रहे हैं हेरात एक्सप्लोर करने के लिए. सो यू आर लोकली फ्रॉम हेरात? नो नो, आई एम लोकली फ्रॉम फरा, बट आई एम लिविंग इन हियर सिंस 2001. ओह वाओ वाओ. तो ये भाई फरा प्रोविंस के बोल रहे हैं, फरा प्रोविंस यहाँ से हेरात से आई थिंक शायद सबसे नज़दीक प्रोविंस बोल सकते हो. आई थिंक 3-4 घंटे का रास्ता है यहाँ से, बट ये अराउंड 2001 से हेरात में रहते हैं. तो आई थिंक ये लोकल हेरात ही हुए यार भाई. यहाँ पे माहौल हेरात में, आई थिंक दिस प्रोविंस इज दिस पर्टिकुलर सिटी इज़ वेरी सिमिलर टू ईरान. मैं जब लास्ट ईयर आता भी मैंने बोला था ये चीज़ आपको, बट क्योंकि ये शहर ईरान से इतना पास है तो यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर जो है यहाँ पे आप लोगों को जो हेरात में देखने को मिलते हैं वो काफ़ी हद तक पर्शियन कल्चर देखने को मिलता है. फिलहाल यहाँ पे भाई मुझे एक लोकल मार्केट में लेके आए हैं, कुछ हिस्टोरिक मार्केट. व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज दिस? इज द हिस्टोरिकल मार्केट ऑफ हेरात. ओह हिस्टोरिकल मार्केट. वाओ भाई ये यार ये पूरा आर्किटेक्चर देखो यार, ऐसा लग रहा है कुछ यार कितने ही पुराने टाइम में आ चुके हैं. बट यहाँ पे सारे शॉप्स देख सकते हो आप लोग. ये शॉप्स का दरवाज़ा देखो यार, इतना इतना बढ़िया और इतना हिस्टोरिक देखने को लग रहा है. व्हाट इज दिस? आर दे मेकिंग समथिंग? How much is this, bro? If you are here, they make some clothes here. Yeah, okay. But यहाँ पे पूरा ये आर्किटेक्चर देखो यार. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट इन हेरात है गाइस. और यहाँ पे आप लोग पूरा आर्किटेक्चर देख के ही समझ सकते हो यार. काफ़ी हद तक मुझे बगदाद वाली वाइब आ रही है यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है. और यहाँ पे जो दरवाजे हैं यार, जस्ट दरवाजे देखो इनके, इतने शाही दरवाजे दुकान के यार यहाँ पे. एक्चुअली हेरात जो है ये पर्शियन सिटी बोलते हैं यहाँ पे, इसको पर्शियन सिटी के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे बहुत सारे पश्तूंस भी हैं पर वो लोग पश्तूंस होने के बावजूद यहाँ पे पर्शियन बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज टू ईरान है. तो काफ़ी सारा कल्चर यहाँ पे जो हेरात में देखने को मिलता है काफ़ी सिमिलर है ईरानी कल्चर से अगर देखा जाए तो. और यहाँ पे हमारे ऑटो भी चलते हैं यार, ये देख सकते हो आप लोग, TVS ऑटो. This rickshaw. Rickshaw. This is Indian. Yeah. Yes. This is Indian. Rickshaw. Indian Bajaj. Bajaj. Yeah. This is Bajaj. Indian Bajaj. Yeah. But it's very expensive. Is it? Is it? Yeah. Oh, okay. About two lakh. 2 lakh. Yeah. For one rickshaw? Yeah, one. Oh, bapre. यहाँ पे 2 lakh Afghani. Okay. I think it maybe. It's same. I think it's around same Indian same Afghani. Same Indian. Yeah. तो यहाँ पे ऑटो जो है 2 लाख अफगानी का बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए का. आई एम नॉट श्योर इंडिया में कितना मिलता है, बट ये बोल रहे हैं काफ़ी महंगा बिकता है भाई यहाँ पे. किसी को पता होगी ऑटो का प्राइस कितना है इंडिया में तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना. बट ये शहर यार देख सकते हो, ये शहर है ये वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ में आता है अफगानिस्तान में. और यहाँ पर ये ऑटो देख लो यार, कितना यूनिक और इंटरेस्टिंग ऑटो है ये. ऐसा ऑटो मैंने इसके पहले अफगानिस्तान में कहीं नहीं देखा, बट हेरात में ऐसे ऑटो देखने को मिलते हैं. थोड़ा सा आगे से उठा हुआ होता है और पीछे से बैठा हुआ होता है ये ऑटो. होय 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 क्या बात है. Who is he bro? Who is he? He's a Talib. Yeah. Doing good? Ali. میگه تو طالبی؟ طالب. خوب هستی میگه؟ طالب مدرسه ایم. بله. طالب مدرسه ای ام استادینگ طالب نات گنت. اوکی. هی استادینگ ناو. بله. یو ار استادینگ.
That's Mikhuni. Yeah. What is his name? What's your name? My name Amit John. His name is Amit John. Amit John? My mother, my father's name is Abdullah. And you are Talib. Talib. Valio. Okay, okay. Oh. Yes, I miss it. It was Hindi. Hindi, Hindi. Offering, Hindi offering. Our people love Indian people. Love Indian people, yes. Yeah, I know that. But we hate some other countries. It's not good that I tell you that country. I know. I think that country is in between Afghanistan and India. Maybe. Wow, yahan pe Taliban bhai yahan pe guzar rahe the. तो ये अभी स्टूडेंट है अभी बोल रहे हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी one thing more bro sorry government is bad not their people yeah for sure you love their people for sure yeah their government तो इन भाई से मेरी बातचीत हो रही थी तो ये तालिब है बोल रहे हैं और इसके पहले कभी ऐसे इतने ओ भाई साहब इसके पहले कभी इतने क्लोजली मैंने कोई तालिब से बात नहीं करा बट ये बोल रहे हैं अभी ये बंदूक नहीं उठाते ये पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो अगर आपको बता दूं तालिब का मतलब स्टूडेंट होता है ठीक है तो उनका अलग ही किस्म का एजुकेशन होता है जो लोग देते हैं तो अभी वो एजुकेशन फेज में है अभी बंदूक नहीं उठाया उन्होंने शायद आने के टाइम पर उठाएंगे ऐसे बोल रहे हैं ओह वाओ दिस इज आवर इंडियन एक्ट्रेस राइट माधुरी दीक्षित या ओके दशकर ओके खुदा हाफिज और तो यहाँ पे अगर आप लेडीज़ को देखोगे वुमेन को तो यहाँ पे इनके कपड़े पहनने का तरीका भी काफ़ी हद तक ईरानियन जैसा है जो पर्शियन कल्चर में लोग पहनते हैं आई थिंक रेस्ट ऑफ अफगानिस्तान में काफ़ी अलग किस्म के कपड़े पहनते थे वो लोग बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उनका पर्शियन स्टाइल जो होता है ऑथेंटिक वैसे कपड़े पहने हुए यहाँ के वो में यार यहाँ पे एक्चुअली अफगानिस्तान में इसके पहले ही मैंने इसके बारे में बात किया था बट यहाँ पे जो सिक्स क्लास के ऊपर के जो लड़कियों के क्लासेस है वो बंद हो चुकी हैं अभी अफगानिस्तान में और यही मेरी मनान भाई से बात हो रही थी यहाँ पे कि क्यों ऐसे कर रहे हैं तो सॉरी This is the place. Oh, okay. From they buy bread. Yeah. Oh, they ऐसे देखो बंडल में लेके जाते हैं सारे ब्रेड यहाँ पे. That's the. Oh, this is the fresh bread from the tandoor. So, send the bread. हाँ. तो यहाँ पे ब्रेड का मार्केट देख सकते हो आप लोग. इसके पहले मैंने दिखाया था आपको कंधार में वाला. मेरी यहाँ पे यही बात चल रही थी कि यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हैं कि मतलब छोटा फिफ्थ क्लास तक स्कूल खुला है उसके बाद फिर सिक्स क्लास के ऊपर स्कूल बंद है लड़कियों के लिए स्पेशली लड़कों के लिए सब कुछ खुला है बट लड़कियों के लिए सिक्स क्लास के ऊपर स्कूल बंद है पूरे अफगानिस्तान में और फिर उसके बाद कॉलेज फिर से खुला है लड़कियों के लिए भी मुझे समझ नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उसके बाद पर मेरे भाई बोल रहे हैं अभी जो यही है सिस्टम अभी फ़िलहाल कि यहाँ पर तालिबान नहीं चाहती लड़कियों को एजुकेट करने के लिए और ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि सिक्स क्लास के ऊपर के जो क्लासेस है वो बंद है सारे मतलब पूरे अफगानिस्तान में बंद है आफ्टर द तालिबान रूल भाई तो ये है यहाँ पे आई थिंक ज्वेलरी की दुकान है यहाँ पे सारे देख सकते हो आप लोग और यहाँ पे आप लोग वुमेन देखो यार मैं यहाँ पे मनान भाई से भी यही बोल रहा था कि यहाँ पे यार इतने सारे वुमेन देखने को मिल रहे हैं मेरे को तो भाई बोल रहे थे क्योंकि हेरात काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पर्शियन ईरानियन कल्चर के सलाम व्हाट इज सेइंग डू यू लाइक टू ड्रिंक टी विद मी तशक्कुर तो यहाँ पे रैंडमली मैं चल रहा था और भाई ने चाय ऑफर करा कि चाय पी के जाओ हमारे साथ ये भाई अफगानिस्तान ये अफगानिस्तान की हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे काफ़ी ओपन सोसाइटी है क्योंकि यहाँ पे ईरानियन कल्चर से भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है क्योंकि ये काफ़ी हद तक ईरान के बॉर्डर के पास है तो ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन काफ़ी कम है रेस्ट्रिक्शन तो है बट यहाँ पे लोग फॉलो कम करते हैं Be careful with your teeth. भाई आप ये एरिया में भीड़ देखो आप हर जगह लोग ही लोग हैं यार यहाँ पे फिलहाल ये वाले मार्केट में सलाम सलाम तो दो सलाम This place is a education place. Sorry? Education. Education? Yeah. Okay. तो यहाँ पे मेरी मनान भाई से बात हो रही थी और ये बोल रहे थे कि लास्ट ईयर की गवर्नमेंट में यहाँ पे और भीड़ होती है यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि चला नहीं जाता यहाँ पे बट फिलहाल नए गवर्नमेंट के बाद काफ़ी लोग अभी निकलते नहीं हैं निकलना कम हो चुका है लोगों का स्पेशली वुमेन का बट स्टिल अगर मैं बताऊँ तभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वुमेन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हेरात में दूसरे प्रोविंस में तो यार मुझे इसका शायद 10% भी वुमेन देखने को नहीं मिलता सड़क में क्योंकि उनकी सोसाइटी वैसी है काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहाँ की
स्पेशली जलालाबाद और कंधार की बात करूँ अगर तो यहाँ पे फिलहाल हेरात के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इतना ह्यूज मॉस्क है ना यार ये, तो दिस इज़ द मॉस्क बाय द नेम जामे मॉस्क। और फिलहाल यहाँ पे पूरा नीचे पूरा मार्बल है तो, और पूरा सन ऊपर से आ रहा है और पूरा मतलब शाइन कर रहा है सन, तो मैं लिटरली आँख खोल ही नहीं पा रहा यहाँ पे, इतना धूप है यहाँ पे। बट फिलहाल देख सकते हो ये है पीछे का मॉस्क, जामे मॉस्क। इतना बड़ा और ह्यूज मॉस्क विथ द एरिया मैंने कभी नहीं देखा गाइस, सही बता रहा हूँ। आई थिंक इसका आर्किटेक्चर देखोगे तो काफ़ी हद तक मेरे को उज़्बेकिस्तान की याद आ रही है, जो यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है काफ़ी हद तक जो उज़्बेकिस्तान में मॉस्क होते हैं, और थोड़े बहुत ईरान में भी ऐसे सिमिलर से मॉस्क होते हैं जो आर्किटेक्चर है। फिलहाल यहाँ पे स्मॉल तालिबान तो यहाँ मेरे सामने देख सकते हो, यहाँ पे आगे थोड़े बहुत मेरे भाई बोल रहे हैं स्मॉल तालिबान, तो ये अभी पढ़ने वाले तालिबान है इसके स्टडीज, या ये सारे तालिबान देख सकते हो, तालिबान बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके पहले दिखाया था मैंने उन्हीं की तरह से। आई नो They are not military. Yeah. They are only studying. Yes, studying religious subject in mosque. Yeah. यहाँ पे अफगानिस्तान में जूस की दुकान इतने रंग बिरंगे होते हैं ना, कलरफुल एकदम, देख सकते हो आप लोग हर जगह फ्रूट्स लगे हुए हैं। इज दिस फ्रूट्स रियल फ्रूट और डुप्लीकेट? नो, दे आर डुप्लीकेट राइट, तो सारे डुप्लीकेट फ्रूट्स लगाए हुए हैं, बट देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गाइस तो ये फिलहाल लंच करा हम लोग ने, और अभी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने वाला हूँ, मैं हम उनकी स्टोरी सुनने वाले हैं कैसा है लाइव है फिलहाल अफगानिस्तान में। यूजुअली अफगानिस्तान में वुमेन से मिलना बहुत मुश्किल है फिलहाल की नई गवर्नमेंट में, बट किसी तरह से हमने ये मैनेज करा है कि हम एक साथ मुलाकात करें और थोड़े बहुत उनके स्टोरीज़ मुझे वो बता पाए। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने इंडियन ऑटो में बैठा हूँ गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, ये भाई यहाँ पे हमारा इंडियन TVS बजाज जो हम लोग ऑटो बैठते हैं। यार ये ऑटो मैंने दुनिया भर में इतना देखा ना यार, इतना ज़्यादा कंट्री में ये एक्सपोर्ट होता है ना अपना इंडियन का माल। Me, there are these girls who are helping me to show me around Herat, yes. Which is of course very difficult, but still we are managing it in the new Taliban government. तालिबान गवर्नमेंट में यार ऐसा बहुत कॉमन नहीं है कि लड़कियां लड़कों के साथ मतलब एक साथ मिलके जा रही हैं, बट स्टिल यार थोड़ा सा डर मेरे को लग भी रहा है, बट इन्होंने बोला कि सब कुछ चिल्ला है हेरात में सब कुछ बढ़िया है, और ये वाला एरिया क्योंकि इनका ही है तो इन्होंने बोला कि मैनेज कर सकते हैं। बट ऑल्सो वन मोर थिंग, आई सी इन द शॉप्स दैट दे मेक द वुमेन फेस ब्लैक, व्हाई दे डू दैट? बिकॉज़ द तालिबान डजंट वांट टू शो द फीमेल फेस। ओके, तो यहाँ पे शॉपिंग मॉल टाइप कुछ है भाई, यहाँ पे देख सकते हो हर कपड़े। सो आर द वुमेन अलाउड टू वियर क्लोथ्स लाइक दिस हियर? दे आर अलाउड, दे कैन वियर राइट? तो यहाँ पे जस्ट फॉर पार्टी राइट, सो दे कैन नॉट कम पब्लिक। या तो यहाँ पे लड़कियों के सारे कपड़े रखे हुए थे यहाँ पे, तो मैंने बोला यार यहाँ पे तो काफ़ी फैशनेबल कपड़े हैं और ऐसे कपड़े का पहन सकते हैं यहाँ पे, तो ये बोल रहे हैं बस पार्टीज में पहन सकते हैं और पब्लिक में नहीं पहन सकते। What do you think, guys? Like, is Afghanistan after 1 year of Taliban, is it more safe for you or it's more worse for you? It's about 1 year that Taliban came in Afghanistan, and I think that the situation is getting worse and worse, especially for children and women, because as all of us know that nowadays it's about 1 year that school gates are closed for girls and they don't have right to go to school and continue education. Why do you think because Afghan girls wants to study but they are not allowed to study? Why do you think Taliban is doing this? We don't have the exact reason, but I think that because they were in the mountain and they weren't in public place and they didn't have know anything about education, so they think that women and girls should be at home and they should stay at home, they don't go to school, they don't since the Taliban came in our country, they didn't do anything for us. Most of the people become unemployed, we don't have any job. There we were, even last week we were witness that many father and mother become forced that sell their child because they were
poverty. They say that we cannot provide the needs of my child. We have to want the person that buy my child provides better life for my child. I think if this situation continues, will not have a good future because the school doors are closed, and it means that we are going to darkness and ignorance. What changes can Taliban bring so that the country situation becomes better, according to you? They should change their behavior, their mind, their idea or their belief. They should let us go to a school. They should open the school's doors, and when we continue our education, all things will become better. Yeah, all things relate to education. Other things that Taliban should provide for us is that they should provide work for us. There are many people that become unemployed. Before, the many people were police, and they have they have many other work. But since the Taliban came, they lose their work. They put their own personnel. Yes, most of them are Pashtun and Tajik, Hazara. They aren't participate in government. So you mean Taliban is only giving job to Pashtun? Yes, yeah. Exactly. And not Hazara, the minorities. Yes, exactly. Afghanistan में गाइस सही बताऊँ तो इतनी ख़राब हालत है अभी, especially अगर ये women के topic की बात करें तो last day शायद हेरात में मैंने एक भाई से मिला था मैं, और वो बोल रहे थे कि अगर बाई चांस तालिबान ने पकड़ लिया आपको कोई लड़की के साथ, और अगर आपके कोई रिश्ता नहीं है या अभी अगर भाई नहीं हो, अभी पति नहीं हो, तो फिर बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है यहाँ पे। और वही मेरा वन ऑफ द मेन रीज़न है कि यार मैं काफ़ी डर रहा था इनसे मिलने के लिए कि क्या भाई मेरे को तालिबान वाले ना पकड़ ले। और एक भाई बता रहा था कि एक साल से वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला क्योंकि अभी तालिबान रूल में अलाउड नहीं है। तो ये सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं यार अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान के न्यू गवर्नमेंट में बोलूँ तो। और ये सारे झंडे देख सकते हो, ये सारे हज़ारा मुस्लिम्स के झंडे हैं यहाँ पे। इन हेरात आई सी स्पेशली वुमेन, दे आर वेरी ओपन कल्चरली विद रेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। डू यू हैव इज देयर रीज़न बिहाइंड दिस चेंज इन कल्चर, और इट्स जस्ट नॉर्मल, और इज़ इट बिकॉज इट्स वेरी नियर टू द ईरान? Maybe one of reason it can be that they are near to Iran, and one of reason is that Hazara people, yeah, they are allow to their female to be free. Free. So you mean Hazara people they let women to be free? Yeah. If I compare with the rest of the communities. Yeah. Mm-hmm. They are more free than. Yeah. तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेरे होटल वापस। तो ये फिलहाल पीछे होटल देख रहे हो, ये होटल में रह रहा हूँ मैं। बट अगर मैं आपको बस डिस्क्लेमर दे देता हूँ ये वीडियो के बारे में, कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आज जो गर्ल्स को वीडियो में लिया, क्या मैंने उनका परमिशन लिया, तो ऑफकोर्स गाइस मैंने उनका परमिशन लेके ही उनको वीडियो में इंक्लूड करा है। और ये बिल्कुल भी मैं सोचना कि मैंने बिना उनके परमिशन लेके ये वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता है सेफ्टी इशूज़ के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेफ्टी इशूज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। And that was the only time when I have thought of making them live in YouTube. So that was it from this video, guys. अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना व्यूज क्या पड़े कैसा लगा, और शेयर करना गाइस। खुश रहिए, अपने आसपास लोगों को खुश करिए, एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।